हेलो मित्रों, जय माता दे। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि 6, 7 और 8 अप्रैल का दिन आपके लिए कैसा गुजरने वाला है और इन 3 दिनों में ऐसा क्या होगा जिनसे आपके होश उड़ जाएंगे, और आपको इन 3 दिनों में कौन से क्षेत्रों में सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत रहेंगे, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों, कुंभ राशि वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि 6, 7 और 8 अप्रैल के दिन अचानक से आपको धन का लाभ हो सकेंगे, आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के नए अच्छे अच्छे अवसर मिलेंगे और किसी परिणाम का आपको नतीजा बहुत ही शीघ्र मिलेंगे। आप अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार देख सकोगे, आपकी सेहत अच्छी रहेंगे और आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा कर सकेंगे। और अगर आपके मन में तनाव है तो किसी नजदीकी रिश्तेदार या दोस्त से आप बात कर सकोगे, इनसे आपके दिल का बोझ भी हल्का रहने वाला है। आपको आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का अंत होंगे, आपको व्यापार के क्षेत्र में अचानक लाभ होंगे जिनसे कि आप अपने आर्थिक स्थितियों को सुधार सकोगे, आपको अपना खोया हुआ प्यार पुनः वापस मिलेंगे, ससुराल पक्ष की तरफ से आपको बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और भगवान विष्णु की पूजा करके आपके द्वारा शुरू किया गया कार्य आपके लिए सफलतादायक रहने वाला है। आपको अनेक प्रकार की नई नई चीजों को जानकारियों के बारे में तरक्की हासिल होंगे, ऑफिस में आपको अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होंगे, कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की सुनिश्चित है, आप वाहन या नई प्रॉपर्टी लेने का मन बना सकोगे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेंगे, सेहत के मामलों में आपको बेहतर लाभ मिलेंगे, आप परिवार के साथ मंदिर दर्शन के लिए जा सकोगे, अचानक धन लाभ होंगे, संतान पक्ष आपका बेहतर रहेंगे, अधूरे कार्य के प्रति आप विचार कर सकोगे और धन लाभ के प्रबल योग हैं, अधूरे कार्य पूरे होंगे, वर्तमान समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपने वाणी पर काफी ज्यादा संयम रखने की कोशिश करें, वाणी के बहकावे में आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास न करें, व्यापार में आशानुसार लाभ की प्राप्ति होंगे, संपत्ति के कार्यों में सफलता प्राप्त होंगे, आप मजबूती से हर कार्य को पूरा कर सकोगे, कार्य क्षेत्र में आपको मनचाहा लाभ मिलेंगे, सुख समृद्धि में वृद्धि होंगे और प्रेम संबंधों में मधुरता रहेंगे, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा और समाज में आपको यश वैभव की प्राप्ति होंगे। 6, 7 और 8 अप्रैल के दिन आपको आपके जीवन में आने वाले कष्टों का निवारण हो सकेंगे, परिवार में वाद विवाद लड़ाई झगड़ों से खास तौर पर दूर रहने की आवश्यकता है, आपके किस्मत चमकने वाली है, माता रानी आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, सामाजिक कार्यों में आपको मौका मिलने का और आप अपने समाज में अच्छा खासा नाम इज्जत बढ़ा सकोगे, आपके आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होंगे जिनसे आपका मन अत्यधिक प्रसन्न रहेंगे, बेरोजगार युवाओं को करियर के क्षेत्र में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आपका आने वाला समय आपके लिए बहुत ही शुभ है, व्यापार में आशानुसार लाभ की प्राप्ति होंगे, संपत्ति के कार्यों में सफलता मिलेंगे, आप मजबूती से हर कार्य को पूरा कर सकोगे, कार्य क्षेत्र में आपको मनचाहा लाभ मिलेंगे, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होंगे, प्रेम संबंधों में मधुरता रहेंगे, परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा, समाज में आपको यश वैभव की प्राप्ति होंगे और कई सारे अच्छे सुनहरे अवसरों की प्राप्ति आपको होने वाली है। 6, 7 और 8 अप्रैल के दिन आपको लाभ के कई सारे अच्छे अवसर की प्राप्ति होंगे, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो, जय माँ बिंदु।